टीकेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय, पहले सिंबल की बात कर रहे थे, किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो सिंबल है इसको डिनोट जो किया जाता है वो वी से किया। इसके अलावा सोच लेते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है पोटेंशियल, क्या इसमें स्केलर है या वेक्टर है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये मैग्नीट्यूड शो करता है। और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड शो करती है इसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है और डिनोट करने का तरीका उसका वी है। इसके अलावा फॉर्मूले की बात करते हैं। इट्स फॉर्मूला वी इज इक्वल टू बी, यानी कि इसे डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर जो फॉर्मूला है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, वेयर डब्ल्यू फॉर वर्क के लिए है, वर्क है ये एक बार से, और ये वर्क किस क्या, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज जो वर्क करता है उसके, और क्यू नॉट यहां पे क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है, इट्स फॉर्मूला। इसके अलावा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इट्स यूनिट देखिए वर्क का यूनिट, नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ते रहते हो, तो वर्क का क्या यूनिट होता है, वर्क का यूनिट है जूल, और चार्ज का यूनिट टेस्ट चार्ज है इसका है कूलम। तो इसका जो यूनिट हुआ वो जूल पर कूलम हो। इसके अलावा एक और इसका यूनिट है बोल्ट, जो भी फेमस है तो बोल्ट लिख सकते हैं फेमस यूनिट का, और जूल पर कूलम लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसकी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। इट्स डायमेंशन, डायमेंशन के लिए पहले वर्क का डायमेंशन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, डेट मीन एम टी माइनस टू। इसके अलावा चार्ज का यूनिट होता है एटी, क्योंकि 10th क्लास में फॉर्मूला है क्यूज इक्वल टू आई टी, करंट के लिए ए आ जाता है, और यानी कि टी के लिए कैपिटल टी आता है, तो यहाँ पर एटी हो गया। इस तरीके से इसका जो डायमेंशन है वो एम, डेट मीन पावर यहाँ पे ऊपर गया, टी की पावर माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एन का पावर वन, एल का पावर टू, टी का पावर माइनस थ्री, ए का पावर माइनस वन, यानी कि कुल मिला के कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला सामने रखा हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूले से यहाँ पे वर्क का रखा, वर्क का जो डायमेंशन है वो एन की पावर वन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू है, और चार्ज का जो है वो क्यू इक्वल टू आई टी से कर लिया, जो कि 10th क्लास में फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी, तो उससे करा। तो करंट यानी आई करंट है, तो करंट के लिए ए हो गया, और टी टाइम है उसके लिए ए टी हो गया। इस पावर को ऊपर ले गए, टी की पावर माइनस थ्री हो गया, इस पावर को ऊपर ले गए, ए की पावर माइनस वन हो गया, बाकी का ये लिखा है। तो इस तरीके से इसका ए डायमेंशन हो गया। अगर इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन यानी इस फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, मैं एक बार इसको बोल देख रहा हूँ। ये लुक है, मान लीजिए ये मेरा जो चार्ज है वो वन कूलम हो जाए, यूनिट चार्ज। अगर मैं यूनिट चार्ज ले लूं इसको, तो डेट मीन यानी वी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे W। इसका मतलब यूनिट चार्ज जितना भी वर्क करेगा W, इस ये यूनिट चार्ज जितना भी वर्क डन करता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। एक बार फिर देखें यहां पे ये टेस्ट चार्ज है, कितना लिया जा रहा है, टेस्ट चार्ज लिया जा रहा है यूनिट चार्ज वन कूलम चार्ज अगर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे वन लिखने से क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट चार्ज जितना भी वर्क करेगा वो कहलाएगा वी, दैट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसका डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है। अब वर्क के लिए पोजिशन होती है। अब मान लीजिए कोई मतलब बंदा चलता है अपने घर से स्कूल जाता है, तो उसने वर्क किया, एनर्जी खर्च किया, तो इसका मतलब वो यानी जहां से उसने शुरू किया वो एक पॉइंट हो गया, जहां पे एंड हो रहा है वो दूसरा पॉइंट हो गया।
घर से शुरू किया, घर पहला पॉइंट हो गया, विद्यालय में गया तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसी तरीके से यहां भी देखा जाएगा कि ये जो वन कूलम चार्ज है वो उसने वर्क किया कहां से किया, तो वर्क जो किया वो इंफिनिटी से किया, पहला पोजिशन उसका कौन सा, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से वर्क किया और कहां तक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पे लाके डाल दिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, तो वर्क कहां से शुरू हुआ, इंफिनिटी से। वर्क कहां से शुरू हुआ, इंफिनिटी से। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि इंफिनिटी से, यानी कि वन कूलम चार्ज चल रहा है, इंफिनिटी से वन कूलम चार्ज चल रहा है, चलते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर आ गया। इस बीच में जितना भी वर्क होता है दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफाइन कर लेते हैं यहां पे, यानी व्हेन यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम इंफिनिटी, व्हेन यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट inside the electric field, then work done by test charge is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज है, कैरी कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक पोजीशन इन्फिनिटी हो गई, दूसरी यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। उसमें जितना भी वर्क डन किया जा रहा है, जो वर्क डन है, दैट वर्क डन कौन कर रहा है, वो टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके आए हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसमें डायमेंशन, इसका सिंबल स्केलर है या वेक्टर है, यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारा की सारा अर्थ होता है। और बाकी नेक्स्ट क्लासेज में बात करेंगे। मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।